हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा। स्टार्ट करें बच्चे, थोड़ा सा ना यहाँ पे एक्चुअली मैं लाइव क्लासेस में नया हूँ, ठीक है, तो मे भी थोड़ा सा लिटिल बिट प्रॉब्लम हो रही हूँ, बट आई थिंक अब यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक बार बेटा हेलो लिख के बताएंगे कि हाँ सर ठीक चल रहा है। चलिए साहब शुरू करते हैं बेटा। अगर आज कोई भी, क्योंकि एक दो लाइव क्लास का इशू आएगा ही, उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे को भी आदत हो जाएगी सब इसकी, ठीक है बेटा। अगर कुछ भी इशू आता आज लाइव क्लास के अंदर ना, तो मैंने क्या किया, साथ में रिकॉर्डिंग पर लगा दी क्लास, और अगर लाइव क्लास में कोई भी इशू आता तो फिर इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग बेटा हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है बेटा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 2 AS के क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन आपको मैं पहले फिर से एक बार अपडेट कर देता हूँ बेटा। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं RTP मई 18 के AS के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हमने क्वेश्चन 16 का ए, जो AS 2 का क्वेश्चन था, वो डिस्कस कर लिया था। और बच्चों से बात की थी कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं तो ये मैं आपको फिर क्विक रिवीजन करा के बेटा बाद में कवर कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों ने ये क्लास कवर कर ली थी उनके लिए डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो मैं आपको टाइम बता दूंगा कि हम किस दिन इन क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। AS 2 का क्वेश्चन 16 का ए, AS 4 का और AS 5 का, ये जो दो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी ग्रुप 2 में जा चुके हैं। ये किस में जा चुके हैं साहब, ग्रुप 2 में जा चुके हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते बेटा, यहां पे AS 10 वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था। आज बेटा हम जो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है AS 11 का, ठीक, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट्स, ठीक। चलिए बेटा, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट स्टार्ट करते हैं बेटा। जो AS 11 है वो बेसिकली तीन चीजों के बारे में डील करता साहब। किस किस के बारे में? एक वो डील करता बेटा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के बारे में। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन सा जिसमें फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, एक सेकंड बेटा, जिसमें फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बोलते हैं बेटा। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने यहां पे वर्ड क्या बोला है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं साहब, ठीक। अगर मैं मुंबई से कोई माल खरीदता हूं और जो मुंबई वाली पार्टी है अगर वो मेरे को डॉलर में बिलिंग करती है, अगर वो मेरे को किस में बिलिंग करती है बेटा, डॉलर में बिलिंग करती है, तो क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये मेरे लिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होगा? बोलिए बेटा कमेंट में बताइए यस या नो। मैं दिल्ली के अंदर हूं, मैंने एक पार्टी जो मुंबई के अंदर है साहब उससे माल खरीदा, ठीक है, लेकिन उस पार्टी ने जो बिलिंग की है वो फॉरेन करेंसी में की है, आई मीन टू से डॉलर में बिलिंग की है, क्या ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा? बोलिए क्या ये फॉरेन एक्सचेंज देखो, एक बच्चे ने लिखा है विशाल मिश्रा जी, नो सर। कंसोलिडेशन का कोई क्लास है क्या बेटा? बिल्कुल आएंगी, धीरे धीरे सारी क्लासें आएंगी। बस अभी अगर मैं बात करूं बेटा अभी टाइमिंग के लिए, तो अभी हम लोग कुछ दो चार क्लासों में एक बार RTP के थ्रू करेंगे बात, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर हम आपको बताएंगे क्या क्या हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है बेटा। इसका आंसर यस आएगा विशाल मिश्रा दोस्त, इसका आंसर यस आएगा। क्यों यस आएगा बेटा? क्योंकि AS 11 ये नहीं कहता साहब कि आपकी ट्रांजेक्शन की लोकेशन क्या है। AS 11 तो सिंपल ये कहता बेटा कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट है, और फॉरेन करेंसी वो होती है जो करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी होती है। हालांकि मैं बता दूं साहब, ये जो क्वेश्चन है बेटा 18 का ए, ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि AS 11 के पार्ट 2 का क्वेश्चन है।
अब आप बोलोगे सर AS 11 का पार्ट टू किसके बारे में बात करता है, बताएंगे एक बार इस बात को खत्म कर लेते हैं। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट होती सब, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन बोलते हैं। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं साहब, बल्कि एक ऐसी करेंसी की इन्वॉल्वमेंट जो अदर देन डोमेस्टिक है बेटा, उसको भी हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और डोमेस्टिक का मतलब है साहब इंडियन रुपीज, ठीक है। हालांकि इंडेस 21 बेटा जो हम CA फाइनल में पढ़ाते हैं, वहां पे फॉरेन करेंसी का थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट दे रखा वहां पर, ठीक है। चलिए सेकेंड बेटा जो ये बात करता है, ये AS बात करता साहब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। बेटा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हालांकि SFM का मतलब FM का बेटा सर्विस में कवरेज है इसकी, लेकिन फिर भी हम लोग आपको बेटा यहां पे क्या करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे बड़े प्यार से, और फिर AS 11 में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखिए, एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद बेटा मैं AS 11 पे लेके आऊंगा आपको, ठीक है। आज साहब 1 फरवरी 2020 की डेट है, मान लेते हैं। बोलिए बेटा आज कितनी डेट है, 1 फरवरी 2020 की डेट है, ठीक है। राम ने क्या किया, बड़े ध्यान से एग्जाम्पल सुनना बेटा, राम ने क्या किया साहब, एक फॉरेन से मशीन खरीद ली, फॉरेन से मशीन खरीद ली, कितने की, $10,000 की। बोलो बेटा राम ने क्या किया, $10,000 की फॉरेन से मशीन खरीद ली, ठीक। चलिए अब आप बड़े ध्यान से देखना साहब, अगर उसने $10,000 की मशीन खरीदी है, एक मिनट सामने स्क्रीन पे नहीं आ रहा क्या, किसी बच्चे ने लिखा था, स्क्रीन प्रॉपर नहीं आ रही, अब देखना बेटा, एक सेकंड, अब आ रहा ना प्रॉपर। चलिए आप मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से ना, उसने 10,000 की फॉरेन से मशीन खरीद ली साहब, और ये उधार पे खरीद ली, क्रेडिट पे। राम इसकी जो पेमेंट करेगा वो आफ्टर 3 मंथ्स करेगा, कब पेमेंट करेगा, आफ्टर 3 मंथ्स। बात को बेटा बड़े ध्यान सुनना, 1 फरवरी 20 को डॉलर का रेट साहब 75 था, कितना रेट था बेटा डॉलर का, 75, ठीक। मेरा आपसे क्वेश्चन, आप ये बताइए बेटा, स्क्रीन पे बिल्कुल चेंज हो गया है मेरे सामने, अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो यहां पर चेंज होके आ रहा है, मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूं, नहीं बिल्कुल ठीक आ रहा बेटा यहां पे ना, स्क्रीन पे यही आ रहा है जो मैं दिखा रहा हूं। चले आगे, चलो बेटा एक बार तब तक और ली सुन लो, आपके यहां पे भी आ जाएगा, एक बार अपडेशन करके मतलब थोड़ा सा रिफ्रेश करके देख लो, मेरे हिसाब से चल रहा सही यहां पे ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम आज की वीडियो डाल देंगे अदरवाइज रिकॉर्डिंग करके, ठीक है। आप मेरी बात सुनिए ध्यान से ना, आपने क्या किया, 75 रुपीज के हिसाब से, अब मेरे को ये आइडिया नहीं कि स्क्रीन अगर पोज कर दी कहीं रुक ना जाए, चलिए अब आप मेरी बात सुना, इसने 3 महीने के उधार पे सर मशीन खरीद ली, ठीक है। अब राम को जो पेमेंट करनी है आफ्टर 3 मंथ्स, $10,000 की पेमेंट करनी है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, फेमा के अकॉर्डिंग, अच्छा देखो स्क्रीन आ गई है मेरे यहां पे भी आ गई, फेमा के अकॉर्डिंग बेटा आप फॉरेन करेंसी अपने पास नहीं रख सकते। हां भक्ति ठक्कर बिल्कुल ठीक है बेटा, आप रीलोड कर लीजिए अपने पेज को, ठीक चल जाएगा। आप मेरी बात सुनिए बेटा ध्यान से, फेमा के अकॉर्डिंग कुछ एक्सेप्शन है साहब, या फिर अगर आप फॉरेन करेंसी एजेंट हो या बैंकिंग कंपनी हो, NBFC साहब, इनको एग्जेम्पशन बेटा, अदरवाइज आप अपने पास क्या कर नहीं कर सकते, फॉरेन करेंसी अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे साहब, तो 3 महीने के बाद फरवरी मार्च अप्रैल, राम को यह पेमेंट 30 अप्रैल 20 को करनी साहब, कितने डॉलर की, $10,000 की पेमेंट कब करनी साहब, उसने जाके 30 अप्रैल को करनी है। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या 30 अप्रैल 20 को डॉलर का रेट 75 होगा या कुछ और होगा? सर कुछ भी रेट हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। आइए थोड़ा सा इस एग्जांपल में और अच्छी अच्छी बातें कवर करते हैं। राम के घर में ना एक छोटी सी कल्चर थी साहब,
राम जैसे ही मॉर्निंग में उठता था ना, राम जैसे ही मॉर्निंग में उठता था, उसके घर में कल्चर क्या थी कि वो पहले टीवी ऑन करता था और फिर अपनी वाइफ को बोलता था कि आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाओ, और ब्रेकफास्ट में ये चीजें बना के लाना, ठीक है। 2 फरवरी को क्या हुआ साहब, 2 फरवरी को डॉलर का जो रेट था वो 75 की बजाय साहब मान लेते हैं 76 हो गया, एकदम सही तरह उछाल, चलो 75.20 हो गया। बेटा क्या आज मिस्टर राम ब्रेकफास्ट कर पाएगा? आप बोलोगे सर क्यों नहीं करेगा ब्रेकफास्ट, क्या दिक्कत है? बेटा मुश्किल कर पाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो राम को 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। सर कैसे नुकसान हो गया राम को 2,000 रुपए का? साहब देखिए, राम ने जो पेमेंट करनी है वो $10,000 की करनी है, राम को ये डॉलर बैंक से खरीदने पड़ेंगे, और अगर आज की बात करें तो आज के दिन रेट 75.2 हो गया, ठीक। अगले दिन 3 फरवरी को मान लो रेट हो गया कितने से, 75.35 से, यहां पे भी उसको 1,500 रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा मान लेते बेटा 4 फरवरी को रेट 74.80 हो गया, राम क्या करेगा, 4-5 दिन का एडवांस में ही ब्रेकफास्ट कर लेगा। आई मीन टू से जब तक ये पेमेंट नहीं होगी बेटा, डॉलर के रेट में डेली चेंज आता रहेगा, और डेली की डेली सर हो सकता है डॉलर के रेट में जो चेंज आया है उसकी वजह से राम के ऊपर इफेक्ट आ जाए, उसकी वजह से बेटा हो सकता है क्या हो, राम के ऊपर इफेक्ट आ जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल कुछ भी हो सकता है लक्षित, ठीक। चलिए अब अगर राम को अपने आप को फॉरेन करेंसी के रिस्क से, मेरी वर्डिंग सुनो बेटा, अगर राम को अपने आप को फॉरेन करेंसी के रिस्क से सेफ रखना है तो राम को क्या करना चाहिए, बताइए बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मान लेते हैं हम लोग ना राम का केस ले लेते हैं, और आप ही मिस्टर राम हो, ठीक है। अगर आप यहां पे मिस्टर राम होंगे तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप क्या करेंगे ऐसी जगह पे, ऐसे केस में आप बताइए क्या करेंगे। सर हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग अपने फॉरेन करेंसी के रिस्क को खत्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे बेटा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम प्यार से बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप मेरी बात सुनना, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साहब जो फ्यूचर की डेट पे सेटल होगा, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर की डेट पे सेटल होगा बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे साहब, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से ना, अब राम क्या करेगा अपने रिस्क को मिट आउट करने के लिए, अपने रिस्क को बेटा क्या करेगा मिट आउट करने के लिए, बैंक के साथ एक एग्रीमेंट कर लेगा। अगर राम अपने रिस्क को मिट आउट करने के लिए बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लेगा, साहब मान लो बैंक ने उसको कहा भैया मैं आपको 76.5 में क्या करूंगा, मैं आपको $10,000 दे दूंगा 30 अप्रैल को। हालांकि अगर आप देखोगे तो राम का यहां पे लॉस फिक्स हो गया बेटा, 15,000 राम का लॉस फिक्स हो गया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं बेटा यहां पे क्या है, राम को प्री डिटरमाइंड हो गया, राम को पहले से ही पता लग गया साहब कि उसका इतना लॉस है। तो ये जो 15,000 का राम का लॉस है बेटा, इसे क्या करेंगे वो ओवर द पीरियड सर एलोकेट करना आपने, ठीक है। अब आप मेरी बात सुने, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है साहब, वो कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर की डेट पे है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट साहब जो फ्यूचर की डेट पे सेटल होगा, पहली बात। दूसरी बात, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेटा एज पर AS 11 दो तरह के होते हैं। एक वो होते साहब जिनका ऑब्जेक्टिव आपने ट्रेडिंग करना नहीं होता, और एक वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग करना है। कोई भी ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव सर ट्रेडिंग करना नहीं होता, हम क्या करते हैं उस केस में, स्पॉट रेट पे और फॉरवर्ड रेट के डिफरेंस को बेटा एज ए प्रॉफिट और लॉस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं साहब, एज ए डेफर्ड प्रॉफिट और लॉस, जिसको ओवर द पीरियड हम क्या करते हैं एमोर्टाइज करते हैं। अब मेरी बात को समझे, एक बच्चे की क्वेरी है सर फॉरवर्ड रेट क्या होता है, 1 फरवरी 20 को डॉलर का रेट कितना था, 75। 1 फरवरी 20 को राम ने बैंक से बात की और बैंक ने राम को बोला कि राम जी आप टेंशन मत लो, 30 अप्रैल को आप मेरे पास आना, मैं आपको $10,000 76.5 में दे दूंगा। तो बेटा इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट क्या होता है? एक ऐसा रेट सा
जो आप क्या करते हो बैंक के साथ एग्रीड कर लेते हो साहब कि फ्यूचर की डेट पे आप क्या करेंगे साहब, इस रेट पे सेटल करोगे। तो अगर AS11 में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसका ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग करना नहीं है, जिसका ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग करना नहीं है, फ्यूचर की डेट पे सर आपने सेटल करना है बेटा, उस केस में हम क्या करते हैं स्पॉट रेट, उस केस में हम क्या करते हैं बेटा स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस लेते हैं। मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट 76.5 में किया और इस डिफरेंस को बेटा हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रीमियम ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से साहब, जिसको बेटा हम ओवर द पीरियड क्या करते हैं एमोर्टाइज करते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे देखोगे तो अल्टीमेट आपको 15,000 का नुकसान होगा साहब, तो आप इस 15,000 के नुकसान को सर क्या करेंगे ओवर द पीरियड एमोर्टाइज कर देंगे। अगर यहां पे 31 मार्च 20 को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुई है तो 2/3 हिस्सा यहां और 1/3 हिस्सा बेटा यहां पे आप क्या करेंगे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। एक बच्चे ने बड़ी प्यारी सी क्वेरी पूछी, ठीक है, हालांकि अभी तक पूछी नहीं किसी ने, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ठीक है। एक बच्चे की बड़ी प्यारी सी क्वेरी क्या आती है, बच्चा कहता सर अगर आपका ऑब्जेक्टिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को सेटल ना करके उसे फर्दर ट्रेडिंग करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा, उस केस में हम स्पॉट रेट को इग्नोर करेंगे और फॉरवर्ड रेट जो आपका 76.5 है और फर्दर सेल रेट, उन दोनों का डिफरेंस बेटा हम क्या करेंगे P&L अकाउंट में एज ए प्रॉफिट और लॉस लेके जाएंगे, ठीक है। फिर से मेरी बात सुनना, अगर मान लो आपका ऑब्जेक्टिव हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है तो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का बेटा जो डिफरेंस है उसे आप एज ए प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करेंगे, जिसे ओवर द पीरियड क्या करेंगे एमोर्टाइज कर देंगे, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो उस केस में बेटा आप स्पॉट रेट को इग्नोर करेंगे, आई मीन टू से डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जो रेट है साहब उसे आप इग्नोर करेंगे, फॉरवर्ड रेट और फर्दर जो आप उसे बेचेंगे उसमें जो सेल रेट रहेगा बेटा दोनों का डिफरेंस आप कहां लेके जाएंगे प्रॉफिट और लॉस में। यहां पे एक सबसे प्यारा क्वेश्चन, सर हां जी हमारा ऑब्जेक्टिव हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है, बहुत बढ़िया सर हमारा ऑब्जेक्टिव हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है ही नहीं। चलिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है और उस केस में ईयर एंड तक भी अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल नहीं किया तो बेटा ईयर एंड पे जो रेट रहेगा और फॉरवर्ड रेट रहेगा उसका डिफरेंस आप कहां लेके जाएंगे P&L अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है। सबसे मजेदार क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर भी ज्यादातर बच्चों को नुकसान करता साहब, बच्चे भूल जाते हैं साहब, जिसमें बेटा सबसे बड़ा डाउट है एग्जाम में पहचान कैसे करें सर कि कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है या नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। फिर से मेरी बात सुनना, बच्चों की क्वेरी है सर हमें समझ में आ गया अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो वहां पे फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट का डिफरेंस हम क्या करेंगे ओवर द पीरियड एमोर्टाइज कर देंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो फॉरवर्ड रेट और सेल रेट या ईयर एंड के रेट का डिफरेंस हम कहां लेके जाएंगे P&L अकाउंट में, ये भी बहुत बढ़िया। लेकिन सर क्वेश्चन तो ये उठता है कि एग्जाम में पहचान क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेटा मैं जोश में आ गया हूं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड रेट सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है या नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, इसकी पहचान बताओ सर, सर पहचान बताओ कि कैसे पता लगेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है या नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। बेटा मेरी बात सुनिए, चलिए हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है पता कैसे लगेगा, अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी ऑब्जेक्टिव को मिट आउट करने के लिए लिया गया है तो बेटा मान के चलेंगे नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने यहां पे मशीन खरीदी थी, हमारा ऑब्जेक्टिव डॉलर में डील करना है, हम लोगों ने यहां पे क्या किया था मशीन खरीदी थी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या यहां पे डॉलर में डील करना है या डॉलर के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करना है या हमारा केवल ऑब्जेक्टिव अपने फॉरेन क्रेडिटर को पेमेंट करना है। सर हमारा यहां पे ऑब्जेक्टिव फॉरेन क्रेडिटर को पेमेंट करना है,
अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फॉरेन क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये नोट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। क्या है? नोट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। आइए इसके नोट्स बनवा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बेटा शायद आप लोगों को मैंने आज नहीं बताया, लेकिन मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा बेटा, तो मैं पहले उसके सारे प्रोविजन करा दूंगा, ताकि इस बहाने हमारा वो टॉपिक रिवाइज हो जाए अच्छे से, और साथ में हमारा आरटीपी या एमटीपी के जो भी है उसके क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, आज तो आरटीपी की बात चल रही है। आइए, एएस 11 कितनी चीजों पर डील करता है? तीन। पहला फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा, पहला फिर से बोलो, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा। सर तीसरा जो डील करता है वो डील करता बेटा फॉरेन ऑपरेशन के बारे में। किसके बारे में? फॉरेन ऑपरेशन के बारे में। बेटा फॉरेन ऑपरेशन जो है वो ऑलरेडी आप लोगों ने ब्रांच में कर लिया होगा। जब मैं ब्रांच में फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन कराऊंगा तब उसको मैं कवर कर लूंगा। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सर लिखेंगे, नोट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, और यहां लिखेंगे बेटा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। यहां लिखेंगे इस साइड, कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट। ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट और लॉस ओवर द पीरियड। ठीक, अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, सबसे पहला काम क्या करना आपने? इग्नोर स्पॉट रेट। बट स्पॉट रेट का मतलब होता है जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस दिन का रेट। और फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड रेट का मतलब होता है जिस दिन आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस दिन आपने अगर किसी फ्यूचर की डेट के लिए सर रेट ले लिया तो वो कहलाएगा फॉरवर्ड रेट। ठीक है, इग्नोर स्पॉट रेट। डिफरेंस बिटवीन सेल रेट ओब्लिक ईयर एंड रेट एंड फॉरवर्ड रेट एंड ट्रांसफर इंटू पीएनएल अकाउंट इमीजिएटली, ट्रांसफर इंटू पीएनएल अकाउंट इमीजिएटली। चलिए बेटा उसको हम कहां लेके जाएंगे? पीएनएल अकाउंट में इमीजिएटली लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा पहचान क्या है? लिखेंगे अगर, पहचान क्या है लिखेंगे बेटा, अगर कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट किया है। बेटा ये हिंदी में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि ट्रीटमेंट बच्चे को पता होता है। बेटा एग्जाम में उसको जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है वो यही होती है कि बच्चा भूल जाता साहब एग्जाम में, या उसको ध्यान नहीं रहता कि
कि पहचान क्या है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। बेटा अगर मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ मशीन खरीदना था और उसको हैज कराने के लिए, मैंने उसके रिस्क को कवर करने के लिए सर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसका मतलब बेटा वो नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। अगर कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी भी ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट किया जाता है तो वह नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कहलाएगा। वह नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते क्वेश्चन के ऊपर। साहब क्या लिखता है, पावर ट्रक लिमिटेड परचेज ए प्लांट फॉर $50,000 ओन वॉल्यूम। बिल्कुल ठीक है बेटा, पावर ट्रैक लिमिटेड परचेज, ट्रक लिमिटेड परचेज ए प्लांट फॉर $50। बेटा यहां देखिए, आपने प्लांट परचेज किया, इसका साफ साफ मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या होगा, नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होगा, ठीक है। ऑन 31 अक्टूबर 2016 पेबल आफ्टर 6 मंथ, आपको 6 महीने के बाद पे करना है, तो मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको अप्रैल में पेमेंट करनी, ठीक है। द कंपनी एंटर्ड इन टू ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ एट द रेट दिस वन। बेटा ये आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ऑन 31 अक्टूबर 2016 द एक्सचेंज रेट वॉज 16.5 पर डॉलर। बेटा मेरी बात सुनिए, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपका स्पॉट रेट कितने से है, 61.5, और आपने फॉरवर्ड रेट कितने से ले लिया, 64.25, माइनस आ जाएगा 61.5, 2.75 का आपको लॉस हो गया। मैं यहां लिख देता हूं सब, कितने डॉलर का, 50,000 का इंटू 50,000, बेटा 1,37,500 का आपको नुकसान हो गया। अगर आपको 137,500 का बेटा नुकसान हो गया तो इसे क्या करेंगे आप, ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करेंगे। कितने महीने कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने, 6 महीने का, तो इसका 5/6 इस साल आ जाएगा और 1/6 अगले साल आ जाएगा, 114,583 इस साल P&L अकाउंट में डाल देंगे सब, और अगले साल बेटा जो जाएगा 22,917 आएगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसका आंसर क्रॉस टैली करा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए बेटा, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट, ये लिखिए साहब, इस साल के लिए आ जाएगा बेटा, इसने इसी साल के लिए मांगा, ठीक। मैंने अगले साल का भी आंसर दे दिया आपको, ठीक। चलिए साहब बेटा, AS 12 का क्वेश्चन अगला गवर्नमेंट ग्रांट का, ठीक है बेटा। एक दो बातें आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है साहब। अनिल अंबानी ने अपनी वाइफ को हवाई जहाज दे दिया, मे बी उसकी वाइफ के लिए ग्रांट बन जाए, बट ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेटा। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट AS 12 में कवर है, और AS 12 में अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साहब, सबसे पहले बेटा दो बातें समझनी पड़ेगी, तीन बातें बल्कि, गवर्नमेंट क्या है, ग्रांट क्या है, और गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड कब करें, और फिर चौथी बात कैसे करें, ठीक। चलिए मैं आपको बेटा 5 मिनट लेकर एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। गवर्नमेंट का मतलब है साहब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी, इंक्लूडिंग एनी लोकल अथॉरिटी। फिर से बोलो, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल बॉडी और इंटरनेशनल बॉडी, इंक्लूडिंग एनी लोकल अथॉरिटी, ठीक है। ग्रांट का मतलब क्या साहब, कोई भी ऐसी असिस्टेंस जो कि या तो कैश में या काइंड में दी जाए, कोई भी ऐसी असिस्टेंस जो कैश में या काइंड में दी जाए जिसकी वैल्यू एसर्टेन हो जाए, ठीक। आप मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से ना, अपोलो हॉस्पिटल को दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, अपोलो हॉस्पिटल को दिल्ली गवर्नमेंट ने साहब क्या किया, एक जगह दे दी साहब हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो बेटा इसकी वैल्यू एसर्टेन हो जाएगी, ये क्या बन जाएगी, ग्रांट बन जाएगी साहब, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुना ध्यान से ना, गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड कब करेंगे, AS 12 कहता साहब जब आप दो कंडीशन पूरी कर लोगे, कौन कौन सी, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन आपने गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड कंडीशन पूरी कर ली हो,
और दूसरा सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन हो। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक फार्मर हूं साहब, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे को कहती है कि अगर आप सोनालिका का ये वाला ट्रैक्टर लोगे तो हम आपको 1,00,000 रुपए की ग्रांट देंगे। ठीक है, आज मैंने वो ट्रैक्टर खरीद लिया साहब। अब जैसे मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया बेटा, तो गवर्नमेंट ग्रांट को रिसीव करने की मैंने कंडीशन पूरी कर दी। ठीक, दूसरा सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन होना चाहिए। अब अगर मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट मेरे पेमेंट पक्का कर देगी, गवर्नमेंट मेरे को पैसे पक्के दे देगी साहब, तो मैं गवर्नमेंट ग्रांट को बेटा क्या करूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा एक्रूअल बेसिस पे। ठीक है, फिर फर्दर ग्रांट बेटा 6 टाइप की होती है। ठीक है, अब जिस भी टाइप का एक क्वेश्चन है मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, चलिए पढ़िए साहब क्या लिखता है। डी लिमिटेड एक्वायर्ड चलिए बेटा डी लिमिटेड एक्वायर्ड ए मशीन ऑन 1st April 2012 ₹4.20 lakh। द यूजफुल लाइफ इज 5 years। ठीक है, लाइफ कितनी बेटा उसकी, 5 साल। द कंपनी हैड अप्लाइड ऑन 1st April 2012 फॉर ए सब्सिडी टू द ट्यून ऑफ 80% ऑफ द कॉस्ट। द सेक्शन लेटर ऑफ सब्सिडी वॉज रिसीव्ड इन November 15। इसका मतलब सर, जब तक आपको सेंक्शन लेटर नहीं मिला, हो सकता है बेटा आपको ये लग रहा हो कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड, रोहित चतुर्वेदी बेटा आपकी क्वेरी का डाउट अभी लेता हूं बेटा, मैं एक बार ना आपकी डाउट अभी बताता हूं, एक बार मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूं। ठीक है, चलिए समय जैन बेटा एक बार रीलोड कर लो, ठीक हो जाएगा। चलिए बेटा मेरी बात सुनना, इसका मतलब जो डी लिमिटेड है उसको लग रहा है कि साहब वो ग्रांट केवल तब रिकॉर्ड करेगी जब उसे क्या मिल जाएगा साहब, सेंक्शन लेटर मिल जाएगा। मतलब उसको जिस टाइम पर उसने एसेट ली, मे बी उसको सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन में डाउट, उसने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, द कंपनी फिक्स असेट, बेटा मेरी बात सुनो, ये ना फिक्स असेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट है बेटा। गवर्नमेंट ग्रांट जो फिक्स असेट से रिलेटेड है उसके 2 ट्रीटमेंट होते साहब, या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप बेटा गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड कर सकते हो या असेट की कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड करते हो तो उस केस में बेटा आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की रेशो में उस गवर्नमेंट ग्रांट को एज ए इनकम रिकॉर्ड करोगे। मेरी वर्डिंग फिर सुना, डेप्रिसिएशन की रेशो में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा अगर आप दूसरी अप्रोच फॉलो करते हो, क्योंकि यहां पे 2 अप्रोच होती है, एडिटिव अप्रोच। एडिटिव अप्रोच ये कहती है साहब कि आप गवर्नमेंट ग्रांट को एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लोगे और डेप्रिसिएशन की रेशो में एमोर्टाइज कर लोगे। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं बेटा यहां पे किसकी, चलिए डिडक्टिव अप्रोच की। डिडक्टिव अप्रोच ये कहती है साहब कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो आप उसे फिक्स्ड असेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस है उसके ऊपर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं, द कंपनीज फिक्स्ड असेट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16 शोज ए क्रेडिट बैलेंस एज अंडर। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 20 लाख है। एक सेकेंड, डेप्रिसिएशन जो है वो कितने से बेटा, 12 लाख से, मतलब 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया उसने। ग्रांट 16 लाख की मिलगी, बैलेंस 8 लाख। बेटा ये गलत ट्रीटमेंट है। अब आप इसका आंसर कैसे देंगे, देखिए यहां से ये पता लग रहा है कि ये डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करती है। अगर एंटिटी डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करती है तो उस ग्रांट को या तो वो कोस्ट से कम करेगी, और अगर ग्रांट ने कंडीशन बाद में फुलफिल की है तो वो बुक वैल्यू में से माइनस करेगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ये बात भी अपनी जगह सही है। रिमेनिंग अमाउंट पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगेगा, ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल उचित है साहब। ठीक, लेकिन क्या आप फिक्स असेट को माइनस करके दिखा सकते हैं, नहीं। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि जब भी आप ग्रांट रिसीव करोगे अगर एंटिटी डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करती है तो उसे क्या करेगी, बुक वैल्यू में से घटा देगी। अगर ग्रांट का अमाउंट ज्यादा है तो उतना अमाउंट, इसका मतलब आपने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज किया होगा, आप उतने अमाउंट को क्या करेंगे साहब, P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक, यहां पर बेटा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, स्टडी मैट ने भी इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दी, एक छोटी सी बेटा कमी रखी स्टडी मैट ने सॉल्यूशन में। मैं बताता हूं क्या, जब भी आपको ग्रांट मिलती है और आप डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करते हो और अगर आपकी असेट का बैलेंस 0 हो जाता है तो उस केस में बेटा AS 12 ये कहता है कि आप असेट को दिखाएंगे नॉमिनल वैल्यू पे विद कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट इनटू कैपिटल रिजर्व एंड नो फर्दर डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज। ठीक, तो यहां पे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे कि यहां पे आपने डिडक्टिव अप्रोच फॉलो किया, जो भी आपने ग्रांट रिड्यूस मिली है आप उसे क्या करेंगे, एसेट के साथ एडजस्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो उसे पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक,
दूसरी बात आप क्या लिख के दिखाएंगे, लिख के दिखाएंगे कि अब आप फिक्स असेट को कैसे दिखाएंगे साहब, अब आप फिक्स असेट को दिखाएंगे एट नॉमिनल वैल्यू पे विद कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट इनटू कैपिटल रिजर्व, और इस केस में आप असेट के ऊपर फर्दर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसका आंसर देख लेते, नहीं तो ये दो बातें मैं आपको लिखवा देता हूं। बेटा इसने ये सब बातें नहीं लिखी, देखिए ये भी ठीक कर दिया, ये भी ठीक कर दिया, ये भी ठीक कर दिया। यहां पे एक लाइन और लिखेंगे, इसी में लिखेंगे बेटा, आरटीपी में लिख लो, फर्दर मशीन सेल भी डिस्क्लोज्ड की जगह लिखो रिकॉग्नाइज्ड एट नॉमिनल वैल्यू विद, एक सेकेंड, ट्रेडिंग पर्पज से होता है तो वैसे ही इसमें ना बेटा, ये ऐसा नहीं है रोहित, बताता हूं आपको। फर्दर मशीन सेल बी रिकॉग्नाइज्ड एट नॉमिनल वैल्यू विद कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट इनटू कैपिटल रिजर्व एंड नो डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज्ड, फर्दर लिख लो इन फ्यूचर लिख लो। ठीक है, चलिए रोहित की एक क्वेरी थी कि सर जैसे स्टॉक में ट्रेडिंग पर्पज से होता है तो वैसे ही इसमें भी है ना। नबटा स्टॉक तो एएस टू में कवर हो जाएगा ट्रेडिंग पर्पज के लिए ना, अगर कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेडिंग पर्पज के लिए तो वो किसी एएस में भी कवर है नहीं, हालांकि वो इंडेस में कवर है, इंडेस 32/109/107 में कवर है सीए फाइनल के अंदर, आपके सिलेबस में कवर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने हेल्ड फॉर ट्रेडिंग रखा साहब तो उसको हम स्टॉक नहीं बोलते बेटा, उसको हम लोग क्या करते हैं मार्क टू मार्केट पे वैल्यू करते हैं। मतलब जैसे मान लो मैंने 1 फरवरी को फॉरवर्ड रेट ले लिया साहब $10,000 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 76.5 पे, ईयर एंड पे 30 अप्रैल का रेट था जो वो चल रहा था 77, तो डिफरेंस बेटा मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वो कम चल रहा था बेटा मेरा लॉस हो गया। ठीक, और अगर मैं इन बिटवीन बेच दूंगा तो डिफरेंस बेटा प्रॉफिट और लॉस में लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए, बट वो एएस टू में इन्वेंट्री का रेट नहीं होगा। बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड ब्लेस, थैंक यू।